हेलो गाइस, व्हाट इज अप, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं एक दिन में दो व्लॉग कर रही हूँ, आपको पता चल गया होगा मेरा पहला वाला शॉपिंग व्लॉग देख के। तो जो सरप्राइज़ है वो आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। बाकी सारे बैग्स हैं मेरे पास, मेरा लगेज है पीछे। अब तुम सोच रहे होंगे कि काजल दी आप घर वापस जा रहे हो, सो नो गाइस, मैं कहीं और जा रही हूँ, तो वो आपको व्लॉग में आगे पता चलेगा। और मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, शिल्पा नहीं है, ये शिल्पा इज स्टेइंग इन दुबई ओनली, बट मैं जा रही हूँ, वह व्लॉग में एंड तक पता चलेगा। पर हम आज गुड बाय तो कर देंगे दुबई को, पूरा एक महीना हो गया यार, अब कहीं और वर्ल्ड टूर पे हूँ ना मैं, सो दैट्स वाई गाइस सब मैं कहीं और निकल रही हूँ। तो व्लॉग में बने रहना और देखना मत भूलना एंड तक कि मैं कहाँ गई हूँ। अब सीधा स्किप करके एंड में मत देख लेना, बीच में बता सकती हूँ मैं कहीं पर भी। सो या फाइनल गुड बाय फ्रॉम माई साइड टू दुबई। गाइज, मैंने सब कुछ कर लिया, अपना चेक इन वेक इन सब कुछ। अब मैं एक बैग टांग के ट्रैम में जा रही हूँ, जो दुबई में बैठ नहीं पाए थे जिस ट्रैम में, अब मैं यहाँ वो ड्रीम पूरा कर सकती हूँ। एयरपोर्ट पे ट्रैम मिल गई है तो उसमें बैठेंगे। दुबई में रह गया मेरे, मतलब मेरी ये चीज़ रह गई थी कि मैं बैठ नहीं पाई थी। फटाफट चलते हैं, भाग ही जा रही हूँ भाई, अकेले ट्रैवल करना इज फकिंग टफ। ओए, लाइटें वाइटें बंद कर दी गाइज, और इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए। पूरी स्टोरी बताऊंगी आराम से बैठ के, जब खाने बैठूंगी तब। यहीं कहीं खड़ी है गाइस मेरी भी फ्लाइट जहाँ मैं जा रही हूँ। तुम लोग शॉक्ड रह जाओगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, अकेले सोलो ट्रैवल पे। सबसे आगे आके बैठ गए गाइस गाइस, ये तो टनल आ गई, मुझे डर लग रहा है। गाइस, मैं सबको फॉलो करते करते यहाँ पे आ गई हूँ, पता नहीं कहाँ पे जहाँ सारी भीड़ जा रही है मैं वहीं पे जा रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अभी मैं वैट रिफंड प्लानेट पे आई हूँ, क्योंकि मुझे अपना जो टैक्स था वो रिटर्न कराने, 5% जितना भी मेरे पास अभी सामान है मेरा लग्जूरियस ब्रांडेड, तो यहाँ से टैक्स रिटर्न होगा, देन वी गो पता नहीं कहाँ पे। लोग मुझे देख रहे हैं, बाद में ब्लॉक करती हूँ गाइस। गाइस, टैक्स रिटर्न में इतनी लंबी लाइन है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और मैं ऐसे अपने लगेज रख के उस पर बैठ गई हूँ नीचे, शर्म तो आ रही है। कोई नहीं बैठा पूरे में, सब खाली है, सिर्फ मैं बैठी हूँ पागलों की तरह, बट लाइन बहुत लंबी है। गाइस, फाइनली अब जाके मुझे शांति पड़ी है। मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया था बीच में, क्योंकि मुझे मेरा सर घूम रहा था भाई साहब, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, और नींद तो मैंने 1% के भी नहीं लिया, पूरी रात नहीं सोई हूँ, पूरा दिन नहीं सोई हूँ। और अभी दुबई के 4:30 बज रहे हैं, मेरी 5:15 की फ़्लाइट है भाई, मेरा सर घूम रहा है, बिजीनेस हो रही है, मैंने भरपेट खाना खा लिया गाइस। अब मैं बताती हूँ क्या मैं भूल गई, मैं क्या बोलती आ रही हूँ व्लॉग में, शुरू से सच बता रही हूँ गाइस, मैं सब भूल चुकी हूँ। बाकी अभी मेरी फ़्लाइट है, बस मैं यही बताना चाहती हूँ, और मुझे लगेगा टाइम जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ पहुँचने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट था ऐसे जाना मेरा, बिकॉज वेरी अर्जेंट था गाइस। ये शिल्पा क्यों नहीं आई और क्या हुआ है वो सब उसके शायद नेक्स्ट व्लॉग में पता चल ही जाएगा। अगर मैंने बता दिया तो शायद मैं स्पॉइल ना कर दूँ उसके व्लॉग्स का जो भी पैटर्न चलता है गाइस, तो इसलिए मैं बता ही नहीं रही, शायद उसके व्लॉग में पता चल जाएगा, तो चल जाएगा आप लोगों को। बाकी अब मैं उठती हूँ और चलती हूँ सीधा अपनी फ़्लाइट की तरफ, क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और 20 मिनट पहले हो जाती है, सो हमें चल लेना चाहिए। भाई बहुत टफ है यार, बहुत टफ है सब कुछ कराना। पहले तो मैं वहाँ पे लाइन में लगी लगेज वाली, मेरा लगेज था 21 kgs एक्स्ट्रा,
फिर मैंने वहाँ से मिन्नतें करी उनसे, अच्छे से बात की. मुझे किसी ने बताया था कि ऐसे अच्छे से बात करते ना तो वो थोड़ा कम कर देते, तो उन्होंने कर दिया मेरा कम. मेरा बन रहा था कुछ पता नहीं कितना बन रहा था, पर मेरे को 1190 AED एक्स्ट्रा पे करना पड़ा उसका. फिर मैं गई वहाँ पे किया, उसके बाद फिर क्या किया मैंने, हाँ वो ट्रैम पकड़ी, उसके बाद वैट रिटर्न वाला लिया, फिर बैंक ने खाना खाया और अब मैं चल रही हूँ गाइस, क्योंकि अब मुझे आ रहे चक्कर. बाय. सो गाइस फाइनली इतने लॉन्ग ट्रैवल के बाद मैं लैंड हो चुकी हूँ, और तुम लोग गेस करो कि मैं कहाँ आई हूँ. इट्स अ न्यू कंट्री गाइस, अगर तुम लोग गेस कर सकते हो तो करना ज़रूर. और अभी मैं बताऊंगी नहीं तुम्हें जब तक मैं पहुंच नहीं जाती अपनी मंजिल तक, तब तक मैं तुम्हें ऐसे पागल बनाऊंगी. और यार मुझे लगा मेरी विंडो सीट है, मैं विंडो सीट पे खुशी खुशी जाके बैठ गई, पर फिर एक अंकल है उन्होंने कहा दिस इज़ माई सीट. मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, कहते नो 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 मैंने विंडो सीट इसीलिए तो कराई है ना मुझे विंडो सीट पर बैठना. सारा मूड स्पॉइल हो गया, पूरी फ्लाइट में मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया. और एक तो इतना अंधेरा था क्लॉस्ट्रोफोबिया की वजह से, मैं तो मूव भी ऊपर नहीं गया, मैं सोते ही आई चुपचाप और सोते ही उठ गई. अब हम लैंड हुए और अभी मुझे अपना लगेज पिक करने जाना है बेल्ट नंबर 13 पे. भाई सब कुछ ऐसे सुनना पड़ रहा था, अकेली हो ना तो कुछ मिस ना हो जाए गाइस. और अब भूख भी लग रही है, फिर अभी पहले लगेज लेती हूँ उसके बाद कैब, और फिर जहाँ जाना है वहाँ जाती हूँ. बहुत बहुत हद से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अकेले इतना बढ़िया ट्रैवल करके आई हूँ ना, मस्त फील हो रहा है गाइस. आई एम इंडिपेंडेंट ग्रिल हो चुकी हूँ, और ऊपर से इंटरनेशनल ग्रिल भी हो गई हूँ मैं. इंटरनेशनल ट्रैवल करके आई हूँ ना, एक महीना कम नहीं होता गाइस. और अब तो फिर मैं एक और कंट्री आ गई हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. चलो बहुत बातें होगी, बाय. गेस करो गाइस मैं कहाँ आई हूँ. फाइनली मैंने टैक्सी भी कर ली और मैं सुपर डुपर टायर्ड हो चुकी हूँ. अब बस जहाँ जाना है वहाँ जाना है मुझे, और रेस्ट करना है जाके, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ. मैं पूरी रात सोई नहीं थी, फ्लाइट में भी कुछ खास नींद नहीं आ पाई गई, बट अब मुझे सीधा जाके सोना है. पहले खाना खाऊंगी अच्छे से, फिर सोऊंगी, और तब तक तुम लोग गेस करो कि मैं कहाँ आई हूँ और कहाँ नहीं, और फिर बता दो तुम्हें नेक्स्ट ब्लॉग में ही चलेगा. होपफुली शिल्पा ना बता दे अपने ब्लॉग में, क्योंकि मेरे से बात ही नहीं हो पाई अभी. मेरा फ़ोन मतलब फ़्लाइट में मैं फ़ोन मिला नहीं सकती थी अभी, फिर सब कुछ इतना हेक्टिक हो रहा था तो मैंने कॉल नहीं की, और अब लेट हो गया, मे बी वो सो गई हो. तो कल उसका व्लॉग आएगा, कल के व्लॉग में पता चलेगा उसने बता दिया है कि मैं कहाँ गई हूँ ये वो या नहीं. बाकी तुम लोग तब तक गेस करना गाइज़, और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि मैं क्यों आई और क्या रीज़न था और क्या सब कुछ था.